राजस्थान के बारां छिपाबदौड़ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत पछाड़ मुख्यालय पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान की दीवारों में दरारें वह छत पर पड़े गड्ढे जिसको लेकर परिवार सदमे में। आकाशीय बिजली गिरने से दीवार व झरोखों में चोटें आईं। वहीं मकान में एक बालिका के पैर में चोटें आई हैं और मकान में लगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पंखे रिसीवर आदि जल गए। हल्का पटवारी दीपक कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर मौका देखकर मौका रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपी गई। पटवार हल्का मंडल ने बताया कि राधेश्याम जाति धाकड़ निवासी प्रचार का मकान का ऊपरी हिस्सा आकाशीय बिजली गिरने से झरोखों में और दीवारों में दरारें आई हैं, जिसकी मौका रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। ग्राम पंचायत पचाड़ मुख्यालय पर एक मकान में बिजली गिरने से ऊपर की छत और जो छत के ऊपर जो बना हुआ आटा वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस घर के रहने वाले जो सदस्य है वो अभी भी सदमे में है और पटवारी साहब भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कैसे हुआ। जी क्या हुआ बताओ। अब 4:30 बजे हम सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, अचानक एकदम ऊपर से बमबसा का आवाज़ आई तो हमने सोचा कि अल्टीवेटर फूट गया, लाइटें प्लेटें पड़ी तो हम भागने लगे तो इसकी मार या बच्ची चिल्लाने लगी पापा पापा नीचे आओ, तो हमको धांसी मची हुई थी जो नीचे भग कर गए थे। जो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए उन्होंने कहा कि ऊपर अट्टे पर बम गिर गया कि बिजली गिर गई है। आवाज क्या नींद नहीं आई फिर रात भर, और बच्ची को जो फिर वो मल्लम मल्लम लगा करके और वो साफ कराया, उसकी गर्दन वर्दन खुली है, चोटें आई है। कुछ नहीं, बस वो यहाँ से जब गंगड़ नीचे गए तो पैर में लगी और पीछे सिर में थोड़ा दर्द हुआ, तब से तो शाम को भी गोली खाई, सुबह भी गोली खाई तो थोड़ा कम। फिर कैसे मतलब अंदर किससे गए, क्या हुआ? वो गिरी ना बिजली तो उससे गए नीचे, तो उससे कुछ लगी थोड़ी, लगा थी फिर कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करी हुआ ये गोली खाई ना गोली मेरा नाम कोमल देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।